हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोडा बट टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये बेनरो T600EX ट्राइपॉड का रिव्यू देने वाला हूं और आप इसको कैसे DSLR या मोबाइल लगा के यूज कर सकते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, ये थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का ट्राइपॉड है। इसका प्राइस है 1700 रुपया, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। और आप अगर इससे कम प्राइस का ट्राइपॉड देखना चाहते हैं तो मैंने और भी दो ट्राइपॉड का रिव्यू दिया है, ऊपर आई बटन पे आप वो लिंक देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। एक तो है 300 से 400 के रेंज में और एक है 800 रुपए का, तो वो दो ट्राइपॉड आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, ट्राइपॉड का पहले थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बेनरो का ब्रांडिंग है, यहाँ पे मॉडल नंबर देख सकते हैं T600EX फोटो एंड वीडियो ट्राइपॉड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे थ्री वे पैन हेड है, वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आप लूज करेंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे आप टिल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस नॉब को आप लूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये 360 डिग्री शॉट लेने में ये आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक नॉब दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लूज करेंगे तो यहाँ पे आप इसको पोर्ट्रेट शॉट लेने में ये हेल्प करेगा आपको। तो इसीलिए इसको थ्री वे पैन हेड बोलते हैं, क्योंकि तीनों तरफ से आप इसको घुमा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्विक रिलीज प्लेट दिया गया है। यहाँ पे देखिए, बहुत ही इजी से इसको हटा के आप इसको रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप DSLR या मोबाइल माउंट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत इजीली माउंट करके यहाँ पे फिर से अटैच कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे बबल लेवल इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे एक बबल है और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का सर्कल है। बबल अगर ब्लैक कलर का सर्कल के अंदर रहेगा तो ये आप समझ लीजिए पूरा लेवल पे है ये, तो ये ट्राइपॉड को लेवल करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक नॉब दिया गया है, इसका क्या काम है आपको दिखा देते हैं। पहले तो इसको आप लूज करना पड़ेगा, इस नॉब को यहाँ पे लूज करेंगे तो ये लूज करने के बाद आप इसको घुमाएंगे तो देखिए ऊपर से ये एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे बहुत एक्सटेंड होगा। ये एक्सटेंड आपको बाद में करके दिखाऊंगा, अभी इसको बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी लेग्स पे दो दो करके लॉक दिया गया है। ये लॉक आप ऐसे यहाँ पे लूज कर सकते हैं, उसके बाद ये लेग स्प्रेड हो जाएगा। लेग स्प्रेड हो जाने के बाद आप फिर से इसको ऐसे लॉक कर दीजिए, ये अभी अंदर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, ये वाला जो पार्ट है ऊपर, तो यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अंदर मैं देख सकता हूँ एक एल्युमिनियम पाइप दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद दिख रहा है, यहाँ पे अंदर देख सकते हैं एक एल्युमिनियम का पाइप दिया गया है, तो ये बहुत ही स्टेडी है दोस्तों। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, पूरा एल्युमिनियम का बॉडी है। तो इसका वेट है 1.5 kg और इसका कंपनी की तरफ से 3 साल का वारंटी भी है। और दोस्तों, इस ट्राइपॉड के साथ एक ये कैरी बैग भी आता है, यहाँ पे देख सकते हैं बेनरो का ब्रांडिंग है। कैरी बैग बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, ये ट्राइपॉड मेरे दोस्त का है और वो बहुत सालों से यूज कर रहा है ये, अभी तक ये ठीक ठाक है। जिप का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है दोस्तों, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रैप दिया गया है, कैरी करने में बहुत ही आसानी होगा। तो दोस्तों, अभी ये ट्राइपॉड पूरा स्प्रेड करके आपको दिखा दूंगा कि ये कैसा लगता है और कितना लंबा है। तो चलिए, इसका लेग्स अभी ओपन कर लेते हैं। आपको दिखा दिया था कि ये लेग्स कैसे ओपन किया जाता है और कैसे क्लोज किया जाता है। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं तीनों लेग्स पूरा ओपन कर दिया है, अभी इसको ऐसे स्प्रेड करना है। ये देखिए, तीनों लेग स्प्रेड करने के बाद इतना तक आता है, देखिए मेरा चेस्ट के लेवल पे आ रहा है। तो दोस्तों, तीनों लेग स्प्रेड करने के बाद इसको अभी और भी लंबा कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं मैंने दिखाया था, अभी पूरा डिटेल्स दिखा देते हैं। पहले तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा, इसको लूज कर देते हैं। थोड़ा सा लूज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉब है, इसको उठाना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज घुमाने से ये देखिए ऊपर आ रहा है, देखिए ये पूरा ऊपर आ गया। पूरा ऊपर आने के बाद इसको नीचे कर दीजिए, उसके बाद इसको टाइट कर दीजिए, तो ये
नीचे नहीं जाएगा। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, पूरा स्प्रेड कर दिया है मैंने, तीनों लेग ओपन कर दिया है पूरा, और यहाँ पे भी हेड पे जो एक्सटेंशन है वो भी पूरा ओपन कर दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यही इस ट्राइपॉड का पूरा हाइट है दोस्तों। इस ट्राइपॉड का हाइट है 60 इंचेस, मतलब ये 5 फीट का है, और मेरा हाइट है 5 फीट 6 इंचेस, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों पूरा एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे हेड पे जो एक्सटेंशन दिया गया है, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बहुत ही स्टेडी है। तो दोस्तों अभी आपको लेग्स का क्वालिटी दिखा देते हैं। यहाँ पे नीचे लास्ट वाला जो लेग है वो भी बहुत ही मोटा है और बहुत ही ये स्टेडी है, अच्छा क्वालिटी का है। लास्ट वाला जो आपको ट्राइपॉड दिखाया था, वो ट्राइपॉड का लेग्स उतना खास नहीं था दोस्तों। अमेजन बेसिक्स का जो 800 रुपये वाला ट्राइपॉड दिखाया था, उसका लेग्स भी इससे बहुत पतला था, और 300 से 400 के रेंज में जो ट्राइपॉड दिखा था उसका तो छोड़ ही दीजिए, वो बहुत ही पतला लेग है। तो इस ट्राइपॉड का बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, लेग्स का भी क्वालिटी बहुत अच्छा है, और ये एक्सटेंशन का भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। तो दोस्तों अभी आपको दिखा देते हैं कि ये DSLR आप इस ट्राइपॉड पे कैसे लगा सकते हैं, और उसके बाद आप कैसे यूज कर सकते हैं इस DSLR को। तो पहले इसको डाउन कर देते हैं। तो दोस्तों अभी इस DSLR को यहाँ पे इंस्टॉल करके आपको दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे Canon 200D यूज कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही हल्का DSLR है, तो इससे भारी DSLR भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्विक रिलीज प्लेट दिया गया है, तो DSLR को यहाँ पे इस प्लेट पे लगाना पड़ेगा। इस प्लेट पे लगाने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों एक लॉक दिया गया है, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा तो ये प्लेट बाहर आ जाएगा। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे DSLR इंस्टॉल कर देंगे। तो ये रहा हमारा DSLR। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों माउंट दिया गया है ट्राइपॉड के लिए, तो ये यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे जगह पे लगाने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों एक नॉब दिया गया है, इसको घुमाना पड़ेगा ऐसे, इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये टाइट हो गया है। तो प्लेट DSLR पे लग जाने के बाद इस प्लेट को यहाँ पे, इसको पहले लॉक को हटाना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे ऐसे लॉक को टाइट कर देना है। अभी देखिए दोस्तों DSLR नहीं हिल रहा है, तो ठीक ठाक इंस्टॉल हो चुका है। और दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखा रहा हूँ, जो लोग ये ट्राइपॉड यूज़ करना नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं पहली बार ट्राइपॉड यूज़ करते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप ये दिखा रहा हूँ। लेकिन जो लोग ट्राइपॉड यूज़ करना जानते हैं तो फंक्शन एक ही है, तो ये पार्ट वो लोग स्किप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को अभी दिखा देते हैं कि 3-way पैन हेड से आप कैसे इस DSLR में फोटोज एंड वीडियोस खींच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला जो नॉब है इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये 360 डिग्री पूरा शॉट लेने के लिए ये दिया गया है। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं आप 360 डिग्री शॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप पोर्ट्रेट शॉट लेना चाहते हैं, ये तो लैंडस्केप पोजिशन पे है, लेकिन आप पोर्ट्रेट शॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, इसको ऐसे घुमाने से ये लूज़ हो जाएगा, तो अभी आप इसको पोर्ट्रेट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऐसे पोर्ट्रेट घूम गया, तो अभी इस तरीके से आप पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप इसको ऊपर नीचे टिल्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लंबा सा हैंडल दिया गया है, इसको आप लूज़ कीजिए ऐसे। लूज़ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर नीचे इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप तीनों तरफ से इजीली शॉट ले सकते हैं। उसके बाद तीनों लेग स्प्रेड करने के बाद भी अगर आपको हाइट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आपको तो मैंने दिखा ही दिया था, यहाँ पे हेड पे जो एक्सटेंशन दिया गया है वो आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। पूरा एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे आप इसको मत छोड़िए, छोड़ने से ये नीचे चला जाएगा। इसके बाद आप इसको पकड़ के रखिए, उसके बाद इसको टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद देखिए ये पूरा स्टेडी हो गया, ये नीचे नहीं जा रहा है। तो देखिए दोस्तों कैमरा लगाने के बाद ये लगभग पूरा मेरे हाइट का आ गया है। तो अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि इस ट्राइपॉड पे आप अपना स्मार्टफोन कैसे लगा सकते हैं। तो इस ट्राइपॉड पे स्मार्टफोन लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा टूल चाहिए आपको, ये मोबाइल होल्डर क्लिप चाहिए, जो इस ट्राइपॉड के साथ नहीं आता है, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो ये आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दिया है, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसका प्रोसेस अभी दिखा देते हैं। पहले तो इस प्लेट को रिलीज करना पड़ेगा, वो पहले दिखा दिया है मैंने। तो रिलीज करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्राइपॉड माउंट यहाँ पे दिया गया है, तो इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद यहाँ ये टाइट करना पड़ेगा, जो मैंने पहले ही दिखा दिया है। टाइट हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए टाइट हो गए, अभी इसको लगा देते हैं। ये देखिए हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और मोबाइल यहाँ पे जाएगा, आपको लगा के अभी दिखा देते हैं। तो पहले इस मोबाइल को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको स्प्रेड करके ऐसे छोड़ देना है।
तो देखिए दोस्तों मोबाइल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अभी आप इजीली मोबाइल पे वीडियो या फोटोशूट कर सकते हैं। तो मोबाइल पे भी आप थ्री वे पेन हेड यूज कर सकते हैं और तीनों तरह से आप इसको घुमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक प्रीमियम क्वालिटी का ट्राइपॉड लेना चाहते हैं तो इस ट्राइपॉड को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, तो वहां से आप इस ट्राइपॉड को परचेस कर सकते हैं। ये ट्राइपॉड सभी DSLR विद लेंसेस कैरी कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही स्टेडी और प्रीमियम क्वालिटी का ट्राइपॉड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा दोस्त ये ट्राइपॉड सालों से यूज कर रहा है, मैंने भी कुछ दिनों से ये यूज करके देखा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ट्राइपॉड है। तो मेरे तरफ से ये ट्राइपॉड हाईली रिकमेंडेड है। तो दोस्तों वीडियो इतना तक ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा। तो दोस्तों वीडियो इतना तक ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे क्रिएटिव। ठीक ना, गरम आ जाच्छे ना। কি শব্দ হলো, চেক কিছু হবে।